हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की निंबारक और आप देख रहे हैं आपका चैनल आरवी अनबॉक्सिंग। आज हम आपको बताएंगे कि हीरो का जो करिश्मा का कार्बोरेटर है और जो ZMR करिश्मा का ये एक बाइक है, ZMR उसका फ्यूल इंजेक्टर है। तो देखेंगे आज हम इन दोनों में कितने महंगे हैं वो कंपनी के, इसमें बहुत ही ज़्यादा रेट है। आपको मैं दिखाऊँगा अभी अनबॉक्स करके। ये आप देख सकते हैं, पहले इसका पार्ट नंबर है 161KRY901S, जो कि करिश्मा बाइक का कार्बोरेटर है, जिसकी MRP है ओनली 6,500 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा रखी है कंपनी ने। और ये नहीं हो सके तो मैं आपको और बताता हूँ कि जो पल्सर बाइक होती है 220, उसका भी कार्बोरेटर इसे सेम लग जाता है, वो लगभग आपको 3,000 समथिंग कुछ गिरेगा। बट ये कार्बोरेटर डाले तो बाइक की लाइफ अच्छी आती है। और ये कार्बोरेटर है जो कंपनी का ओरिजिनल है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो ZMR बाइक है, जिसका हम आपको बताएंगे फ्यूल इंजेक्टर, जिसकी MRP है 9,500 ओनली, जो कि कंपनी ने आप बता देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रखी है, जिसका पार्ट नंबर है 16700AR001S, जो कि ZMR बाइक का फ्यूल इंजेक्टर है। जो अभी न्यू बाइक्स में पेट्रोल कॉक्स नहीं आ रही हैं, तो अभी फ्यूल इंजेक्टर आ रहा है। तो FI इंजन जो बाइक होती है उसमें सभी में फ्यूल इंजेक्टर लगते हैं। तो हम इसकी करते हैं अभी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर कैसा आता है और कौन सी कंपनी का फ्यूल इंजेक्टर सक्सेसफुल है हीरो बाइक्स में। यह है करिश्मा बाइक का फ्यूल इंजेक्टर है, ZMR जो बाइक है उसका फ्यूल इंजेक्टर है ये, जो 10,000 रुपये का है समथिंग का। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर है। और इसके MRP 10,000 रुपये। अभी लोग अब नहीं खरीदना चाहे तो दूसरी बाइक का इसमें लगता भी नहीं है। ZMR को ओनली ZMR का ही फ्यूल इंजेक्टर आप कंपनी का डालना पड़ता है। इसकी MRP बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर का सॉकेट लगता है और यहाँ से पेट्रोल होता है। और जो FI इंजन की मैं बात बता सकता हूँ आपको कि जो बाइक से FI इंजन की है उसमें आप कम से कम 2 लीटर पेट्रोल तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर जा सकता है। और फ्यूल इंजेक्टर जाने से आपको पता ही है कितना लॉस हो सकता है, 9,500। और ये है करिश्मा बाइक्स का कार्बोरेटर जो हीरो की जेन्यून है। और ये हमारे पास दोनों पार्ट्स है जो हीरो के जेन्यून ही है। ये है कार्बोरेटर, यहाँ पर यह शॉक लीवर लगता है। और ये है सो दोनों एक्सीलेटर केबल बैठने का है। और ये शॉक है, और ये आप देख सकते हैं करिश्मा का जो ऑटो शॉक आता है वो वाला है। और यहाँ पे अंदर सब स्लाइडर वगैरह लगता है, यहाँ मैनिफोल्ड लगता है और यहाँ पर पैकिंग लगती है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा हमारे हीरो के पार्ट्स में ही और बजाज के पार्ट्स सभी कैटलॉग से आपके चैनल से ये वो। अभी हमारे बहुत वीडियो आएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।